सो हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने रील्स के लिए एक बढ़िया सा कवर फोटो कैसे बना सकते हो। आपने मेरे रील में देखा होगा कि मेरा ना एक बहुत ही बढ़िया सा कवर फोटो होता है जिसके ऊपर मैंने कुछ लिखा भी होता है, राइट? तो सेम उसी तरीके से आप भी अपने रील्स के लिए कवर फोटो कैसे बना सकते हो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है? और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से आप अपने रील्स के लिए कवर फोटो बना सकते हो, ठीक है? देखो, रील्स के लिए कवर फोटो किस तरीके से बनाना होता है इसको बताने के लिए ना मुझे जाना होगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलते हैं हम अपने डायरेक्टली मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि आप अपने रील्स के लिए कवर फोटो कैसे बना सकते हो। मैं अपने रील्स के लिए कवर फोटो कैसे बनाता हूं अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं। हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी रील का आपको कवर फोटो बनाना है ना, आपको उस रील को जो है ओपन कर लेना है, ठीक है, गैलरी में जाके। तो मैं उस रील को ओपन कर लेता हूँ, मेरे पास एक रील है, ठीक है, मैं आपको एक बार सुना देता हूँ इस रील को। तो गाइस, यही वो रील है जिसका अभी मैं आपको कवर फोटो बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको इसको रीओपन करना है और नीचे में देखो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कैची का, है ना, यहाँ पे कैची का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है? आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसको ना काटने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप दोनों साइड से जो है काट सकते हो इसको, ठीक है? बट हमें क्या करना है, देखो बीच में ना आपको एक लाइन दिख रही है, राइट? देखो व्हाइट कलर की आपको एक लाइन दिख रही है ना, तो आपको क्या करना है, भगा भगा के ना चेक करना है कि कहाँ पे आपका जो फोटो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बढ़िया सा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ऐसे आपको ना चेक करना है कि कहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा तो एक अच्छा सा फोटो यहाँ पे दिखेगा जिसका मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये लास्ट में ये अच्छा लग रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लूँगा। तो आपको भी क्या करना है, जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा उस जगह का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है? तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं क्या करूँगा, बैक आ जाऊँगा, ठीक है? आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जो अभी हमने स्क्रीनशॉट लिया था ना उसको आपको क्रॉप कर लेना है रील के साइज़ में, ठीक है? तो हम इसको अभी पहले क्रॉप कर लेते हैं, आपको भी पहले क्रॉप कर लेना है रील के साइज़ में। तो हम इसको क्रॉप कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे हमने जो है इसको क्रॉप कर लिया रील के साइज़ में। अब नीचे में हम यहाँ पे यस कर देंगे टिक, फिर ऊपर कर देंगे सेव। तो ये जो है हमारा रील के साइज़ में जो है मैंने क्रॉप कर लिया, ठीक है? अब आपको क्या करना है गाइस, आपको एक एप्लीकेशन को ओपन करना है जिसका नाम है रीमिनी। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये एप्लीकेशन जो है आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको सबसे पहले रीमिनी एप्लीकेशन को ओपन करना है, ठीक है? इसके लिए आपका इंटरनेट ऑन रहना इंपॉर्टेंट है, अगर इंटरनेट ऑन नहीं होगा तो ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, जिसका भी अभी हमने स्क्रीनशॉट लेके जो भी हमने रील के साइज में क्रॉप किया था ना, आपको क्या करना है उसको यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है? तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा इनहेंस वॉच एंड ऐड का, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इनहेंस पे क्लिक करना है। जैसे आप इनहेंस पे क्लिक करोगे ना तो एक ऐड चलेगा जिसको आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है? 15 सेकंड या 30 सेकंड का एक ऐड चलेगा, आपको वो पूरा ऐड को देखना होगा, ठीक है? तो हम इनहेंस पे पहले क्लिक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐड चलना शुरू हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो ऊपर में ये ऐड चलना शुरू हो गया, तो आपको पहले पूरा ऐड को देखना पड़ेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारा ऐड खत्म हो चुका है। ऐड खत्म होने के बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ आएगा, रिवॉर्ड ग्रांटेड, ठीक है? जैसे ये रिवॉर्ड ग्रांटेड लिखा हुआ आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है? जैसे ये रिवॉर्ड ग्रांटेड लिखा हुआ आएगा उसके बाद आपको कट पे क्लिक करना है। जैसे आप कट पे क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप का आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, है ना, दोनों साइड जो है एरो बना हुआ, राइट? अब आपको क्या करना है, इस पे अपनी उंगली को ले जाना है बीच में और आपको क्या करना है, बाएं ओर इसको खिसकाना है। इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो कि आपका जो फेस था थोड़ा ब्लर टाइप में जो दिख रहा है वो पूरा चिकना हो गया, राइट? आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि पहले मेरा फेस देखो कैसा था, इसको अगर मैं कर रहा हूं तो आप देखो पूरा फेस जो है चिकना हो गया है ना। तो आपको भी सेम इसी तरीके से कर लेना है, अपने फोटो को पूरा चिकना कर लेना है बढ़िया सा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर में देखो एक डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे एरो से बना हुआ, ठीक है? यहाँ पे अब आपको क्या करना है, उस एरो पे क्लिक करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? जैसे आप इस एरो पे क्लिक करोगे अगेन एक आपके सामने ऐड चलेगा, उस ऐड को भी आपको पूरा देखना पड़ेगा, बिना ऐड किए ये आपका जो फोटो सेव नहीं होगा, ठीक है? तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है देखो सेव का, ठीक है? तो हम जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो एक ऐड चलेगा, तो हमें वो ऐड देखना पड़ेगा, ठीक है? तो सेव पे हम क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड चलना शुरू हो गया है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे देखो ऐड चलना शुरू हो गया, तो आपको इस ऐड को पूरा देखना पड़ेगा। तो हम इस ऐड को पूरा देख लेते हैं पहले। तो अब ये ऐड यहाँ पे ख़त्म हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर में देखो कट का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसके ऊपर कट कर देना है, ठीक है? एक बार नहीं होगा तो दूसरी बार आपको क्लिक करना है, इस टाइप से ऐड चलेगा आपके पास। अब देखो जैसे मैंने कट पे क्लिक किया, अब नीचे में जो है ये सेव हो रहा है ये फ़ोटो।
ये मेरा जो है फोटो सेव हो चुका है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ आया था गैलरी में, सेव हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको कर देना है डन, अब यहाँ से आपको कर देना है डन। ठीक है, सेव होने के बाद अब आपको क्या करना है, अगेन आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सआर्ट। ठीक है, तो आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे में देखो एक प्लस का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा है एडिट अ फोटो, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। एडिट फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस भी फोटो को अभी हमने रिमिनी से चिकना किया था आपको उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे ये आ जाएगा हमारे सामने इस तरह से। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नीचे में देखो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे इफेक्ट का, है ना, तो आपको क्या करना है इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पे ना आपको क्लिक करना है HDR1। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा HDR1, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो फोटो है बिल्कुल HD हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन आप जैसे बीच पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, ब्लर का, अनशार्प का, सैचुरेशन का, फेड का, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है ना इसको एडजस्ट करना है थोड़ा कलरिंग वगैरह, तो हम भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। आपको भी इस तरीके से जो है आपको एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद आपको ऊपर में कर देना है इसको टिक। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपको अपने फोटो के ऊपर करना है टेक्स्ट। आपने मेरे रील में देखा होगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रील में जाके, अगर आपने मेरे रील में देखा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे ऊपर के जो कवर फोटो है ना उसमें मैंने कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है, राइट। ये मैं किस तरीके से लिखता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको अगेन चले जाना है पिक्सआर्ट में, आपको क्या करना है टेक्स्ट में जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टेक्स्ट कर लेना है, जो भी आप टेक्स्ट करना चाहते हो, जो भी आपका रील है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक शॉर्ट टेक्स्ट यहाँ पे आपको लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2%, इसको हम ना इंग्लिश में कर लेते हैं। ठीक है, 2% लोग मेहनत करके सफल होते हैं, मैंने ये चीज़ें लिख ली। ठीक है, अब हम ऊपर में कर देंगे टिक। टिक करने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से आपको पहले बढ़ा लेना है। अब आपको क्या करना है, देखो नीचे में ना जैसे आप भगाओगे तो नीचे में आपके सामने ना एक स्टाइल का ऑप्शन आएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, राइट। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर में आपको बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। मैं जिस ऑप्शन का इस्तेमाल करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ मैं किसका इस्तेमाल करता हूँ अपने कवर फोटो के लिए, यहीं पर मिलेगा आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको भगाना है और भगाना है, देखो यहाँ पे है करके लिखा है ना, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे है, है ना, मैं इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि मैं जिस तरीके से मेरा कवर फोटो में लिखा हुआ रहता है वो सेम उसी तरीके से दिख रहा है। अब आपने क्या करना है, इसका जो स्पेसिंग है ना उसको थोड़ा कम कर देना है स्पेस पे क्लिक करके, इस तरीके से मैंने कम कर दिया। ठीक है, कम करने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर अगेन आपको टेक्स्ट पे क्लिक करनी है, उसके बगल में आपको एक ऑप्शन दिखेगा शैडो का, शैडो पे क्लिक करके यहाँ पे कलर पे क्लिक करके आपको ब्लैक पे सेलेक्ट कर लेना है और एडजस्ट पे जाके जो ये ब्लर है इसको 100 कर देना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि पीछे में ना ब्लैक कलर का शैडो आ जाएगा जिससे आपका और बढ़िया लगेगा। थोड़ा सा आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो मैं ये कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख लेना है बढ़िया तरीके से। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको कर लेना है सेव। अगर देखो अगर आपके पिक्सआर्ट में सेव नहीं होता है ना तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लगा सकते हो। ठीक है, बट मेरे पिक्सआर्ट में तो सेव होता है क्योंकि मैंने प्रीमियम लिया हुआ है। ठीक है, अगर आपका प्रीमियम वाला पिक्सआर्ट एप्लीकेशन नहीं होगा तो आप इसको सेव नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, तो मैंने इसको कर लिया सेव। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ गैलरी में जाके, देखो ये मेरा सेव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब जाऊँगा मैं अपने रील पे, इंस्टाग्राम ओपन कर लिया, ये देखो यहाँ पे ये रील है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नीचे में 3 डॉट दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, फिर मैं मैनेज के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर अगेन मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन दिख रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ना कवर फोटो लगाने के लिए आएगा, तो मैं यहाँ पे आपको कवर फोटो लगा के दिखाता हूँ। देखो नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड फ्रॉम कैमरा रोल, इसके ऊपर क्लिक करना है। देखो यहाँ पे अभी जो हमने बनाया था कवर फोटो यहाँ पे दिख रहा है, राइट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप देखो यहाँ पे ये आ चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर में डन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद टिक का ऑप्शन आएगा, टिक पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, अब ये जो है आपके रील में जो है ये कवर फोटो सेट हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे रील में जो है कवर फोटो लग चुकी है, राइट। अब देखो बढ़िया लग रहा है, राइट। सेम इसी तरीके से आपको भी जो है अपने रील्स के लिए कवर फोटो बनाना है और आपको अपलोड करना है। सो आई होप अब आप सीख चुके होंगे कि आप अपने रील्स के लिए एक बढ़िया सा कवर फोटो कैसे बना सकते हो, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने लोगों के साथ में ताकि वो लोग भी सीख सके कि वो अपने रील्स के लिए कवर फोटो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस।